जय हिंद दोस्तों, आज आपको भारत के एक महान क्रांतिकारी के जीवन की कुछ अनसुनी घटनाएं सुनने को मिलेंगी। पंडित चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई, जो अब चंद्रशेखर आजाद पार्क है। ये शुरू से गांधी भक्त थे तथा 1919 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया और पकड़े गए। पकड़े जाने पर इन्होंने अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और तभी से इनका नाम आजाद पड़ गया। इन्होंने जीवित गिरफ्तार ना होने की प्रतिज्ञा की थी, इसके लिए पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। वर्ष 1922 में जब गांधी ने असहयोग आंदोलन अचानक बंद करने की घोषणा की, उस समय उनकी विचारधारा में बदलाव आया। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के साथ जुड़कर उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद ने झांसी के पास एक मंदिर में 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी गुफा बनाई थी, जहां वे सन्यासी के वेश में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेजों को उनके इस गुप्त ठिकाने के बारे में पता चला तो वे स्त्री का वेश बनाकर अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब रहे। जलियांवाला गोलीकांड के पश्चात चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र के आदिवासियों से तीरंदाजी का प्रशिक्षण लिया था। वे सदैव अपने साथ एक माउजर ऑटोमेटिक पिस्टल रखते थे। ऐसा भी माना जाता है कि आजाद रूस जाकर स्टालिन से मदद लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से 1200 की सहायता राशि की मांग की थी। आजाद ने अपनी सभी फोटो को नष्ट करना चाहा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी फोटो अंग्रेजों के हाथ लगे। उन्होंने अपने एक दोस्त को झांसी भेजा ताकि अंतिम फोटो की प्लेट नष्ट हो जाए, लेकिन वह नहीं टूट सकी। उनकी अंतिम मुठभेड़ के बारे में सर्वविदित है कि इलाहाबाद की एक पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोनों ओर से लंबे समय तक मुठभेड़ चलती रही। चंद्रशेखर आजाद एक पेड़ की ओर से पुलिस से बचने के लिए गोलियां चलाते रहे। अपने पास गोलियां समाप्त होते देख उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने अंग्रेजों के हाथ कभी भी जीवित गिरफ्तार नहीं होने की अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हुए अंतिम कारतूस से स्वयं को गोली मार ली। ऐसे महान क्रांतिकारी को शत शत नमन। भारत माता को और सभी देश प्रेमियों को आप पर गर्व है। सभी स्वतंत्रता सेनानी अमर रहें।